आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जो कि खूनी संघर्ष में बदल गया। संघर्ष में पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर सहित चार लोग घायल व तीन महिलाएं चोटिल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए CHC लाया गया, जिनमें से दो घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर क्रॉस केस दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। विवाद में घायल महेंद्र गुर्जर ने बताया कि उनका खेती की जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है, जहां उनकी जमीन पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर आज रामलाल गुर्जर द्वारा विवाद को लेकर खेत पर काम कर रही महिलाओं से मारपीट की गई, जिससे एक बार फिर विवाद गहरा गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के दो दो लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भवानी मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल दो व्यक्तियों महेंद्र गुर्जर व कन्हैयालाल पाटीदार को गंभीर घायल होने पर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी मय पुलिस जाब्ते के CHC पहुंचे, जहां दोनों पक्षों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर क्रॉस केस दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। किसने करी? किस बात को लेकर करी? जमीनी बात को। कितने लोग घायल हुए? जबरदस्ती कब्जा करने को। क्या बोला उनने? कितने को लेके मार कर? क्या बात? घर से आके डायरेक्ट काई से मारा। पहले हमला उन्होंने क्या किया? उन्होंने करा। कितने लोग घायल? कितने लोग घायल हुए? चार दो तीन जन। कौन? क्या क्या नाम है?